नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर क्राइम ब्रांच और कनाडिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी से पुलिस ने 40 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, एमडी ड्रग्स और एक स्कूटर जब्त की है। वहीं पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। आरोपी के द्वारा इंदौर सहित आसपास के जिलों में भी मादक पदार्थ की तस्करी करना स्वीकार किया है। इंदौर शहर में लगातार अवैध मादक की तस्करी की जा रही है, जहां पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। उसके बावजूद इंदौर शहर में मादक पदार्थ जोरों से बेचा और खरीदा जा रहा है। वहीं बुधवार रात इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कनाडिया क्षेत्र में स्कूटर से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला है, जिस पर क्राइम ब्रांच और थाना कनाडिया द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम शोएब कुरैशी, जिला शाजापुर का होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के पास से लगभग 40 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स मिला, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस आरोपी शोएब के कब्जे से 5 लाख रुपए मूल्य के अधिक की 40 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, एमवी ड्रग्स और एक स्कूटर जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। कनाडिया पुलिस को कल सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति 40 ग्राम एमडी के साथ में खड़ा हुआ है और वो किसी को बेचने के फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा, उसके पास से 40 ग्राम एमडी मिली है। पुलिस ने एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत अपराध कायम किया, उसके पूछताछ की जा रही है, उसका रिमांड लिया जा रहा है और जल्दी पुलिस इसमें आगे की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बारे में बताएगी। ये शहर किसे संबंधित है और इसके जो और भी संपर्क सूत्र वगैरह क्या थे, किसको दे रहा था, कहाँ से ला रहा था, उस बारे में पूछ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।